Now, up till now, we have completed about the different types of orbit, orbitals, orbitals, um, electronic configuration of different elements, valency, their types, electrovalency, covalency, types of electrovalency, positive electrovalency, negative electrovalency. Again, plus one positive electrovalency, plus two positive electrovalency plus three positive electrovalency in previous lecture. Now, the further point from the curriculum is electrovalent bond or ionic bond. We have already discussed about the definition of electrovalent bond and ionic bond as the bond which is formed by loss and gain of electrons is known as electrovalent bond or ionic bond, or we may define it as the bond which is formed by the transfer of electrons is known as electrovalent bond or ionic bond see that in case of sodium chloride molecule we are taking one example that is of sodium chloride molecule in case of sodium chloride molecule sodium loses one electron and it shows plus one positive electrovalency uh, we can see very easily that sodium as it is having

लास्ट शेल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं यानी जब वो कंबाइन हो जा रहा है तब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ही कंबाइन हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल वॉट इज दैट ऑक्टेट रूल इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर एट इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी करके लास्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन लाने का वो रूल है रूल ऑफ एट And and to acquire that magic number, sodium loses one one electron and shows plus one positive, Deekhe, electron lose sodium positive और वो बताने के बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी प्लस वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाने के बाद इट attains नियरेस्ट नियॉन गैस configuration. इट attains नियरेस्ट नियॉन गैस configuration. उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया है वो एक्सेप्ट कौन कर रहा है तो क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है वैलेंसी विच इज एक्वायर्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोवैलेंसी electro इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन करके मिलती है प्राप्त होती है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं अगर किसी एलिमेंट ने एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, उस वक्त वो इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी हालांकि जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उस इलेक्ट्रोवैलेंसी को निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कहते हैं ठीक है अब देखिए ये जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन निगेटिव चार्ज है इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है इनके बीच अट्रैक्शन तैयार हो जाएगा ये चार्जेस के रिलेटेड अट्रैक्शन है इसीलिए उसको कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन क्यों डेवलप हो रहा है चार्जेस की वजह से डेवलप हो रहा है हेंस इट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑन और इट मे बी कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड देखिए यहां पे जो दूसरी हमने डिस्कस की थी, वो ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन की तरफ उसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है क्लोरीन जब निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है तो उसे क्लोराइड कहते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम एटम और निगेटिव चार्ज क्लोराइड क्लोरिन के ऊपर जो चार्जेस है उसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहते हैं और इसी तरह सोडियम नियरेस्ट नियॉन गैस का इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन गेन करेगा और क्लोरीन अर्गॉन गैस का इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन गेन करेगा देखिए हेंस मॉलिक्यूल विच इज ट्रोवेलेंट बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड देखिए जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को जिस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड अब देखिये यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं दूसरा एग्जांपल ऐसा है पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के बीच में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिर्फ सोडियम में 281 था तो पोटेशियम में क्या है 2881 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पोटेशियम का है तो पोटेशियम में भी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और उस तरह से खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा पोटेशियम और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन भी खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और दोनों भी जो चार्जेस डेवलप हो गए हैं पॉजिटिव और निगेटिव उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बन जाएंगे बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दस देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है नाइनटीन उन्नीस 19 है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या है 18 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी यानी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं तो दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से पोटेशियम अटेंस नियरेस्ट अर्गॉन गैस कॉन्फिग्रेशन सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरिन एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन अगेन इट ऑल्सो शोज द नियरेस्ट अर्गोन गैस कॉन्फ़िगरेशन देखिए दोनों भी एटम्स एक न, एक ही नियरेस्ट आर्गन गैस का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं ये क्या हो रहा है ये समझने की हम प्रयास करेंगे देखिए हर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करके गेन करके या शेयर करके नियरेस्ट इनर गैस जैसा बिहेव करने की कोशिश करता है यानी वो स्टेबल होने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद तो यहाँ पे पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे क्लोरीन एक गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और दोनों भी अर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गेन कर रहे हैं ठीक है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे सबको आवाज आ रही है ना मेरी सगळ्यांना आवाज येतोय ये 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 आणि मी तुमच्या मोबाईल वरती पण एक पीडीएफ फाईल शेअर केलेली आहे ह्या नोट्सची तर त्याच्यातही तुम्ही पाहू शकता आणि ह्या स्क्रीनवर तर शेअरिंग चालूच आहे ठीक आहे तर आता आपण नेक्स्ट बघत आहोत फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड मॉलिक्युल हां हॅलो हॅलो सर ते सर थोडं कळालं

तो एक्झिस्टन्स मध्ये आहे की नाही आपण दररोज मीठ खातोत वरणात भाजीमध्ये मीठ दररोज खातोत तो मॉलिक्युल मध्ये आहे मग हा मॉलिक्युल कसा बनलेला असेल अपेक्षा काय आहे सोडियमच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे दोन आठ एक वर पॉझिटिव्ह चार्जही तयार झालेला आपल्याला दिसून येतो कारण तो, तो इलेक्ट्रोव्हायलेंट कंपाऊंड आहे हे वारंवार प्रूव्ह झालेले आहे वेगवेगळ्या टेस्ट वेग घेऊन तर सोडियम वर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ची टेस्ट क्लोराईड आयनची टेस्ट पण पॉझिटिव्ह आपल्याला लॅबमध्ये घेता येते त्याच्यावरून क्लोराईड आयन सुद्धा तयार झालाय सी एल मायनस सुद्धा निर्माण झालेला आहे आता इथं काय होतं की सोडियम त्याला लास्ट शेल शेलमध्ये व्हॅलेन्सी मध्ये आठ इलेक्ट्रॉन्स आणण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करतो कोणाला रिलीज करेल सध्या सोडियमच्या शेजारी क्लोरीन आयटम आहे तर क्लोरीनला गरज आहे का त्या इलेक्ट्रॉनची ऑबियसली गरज आहे कारण क्लोरीनं एक इलेक्ट्रॉन घेतला तरच त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट होईल आणि सोडियमनं एक इलेक्ट्रॉन रिलीज केला तरच त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होईल बरं हे इलेक्ट्रॉन त्यांना ज्यावेळेस ट्रान्सफर करेल क्लोरीन शेजारी असल्यावर त्यावेळेस ट्रान्सफर केल्यावर सोडियम वर पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण होत आहे आणि वर निगेटिव्ह चार्ज निर्माण होत आहे ह्या दोन चार्जेस चार्जेसमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होतोय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होतंय आणि हे चार्जेस मुळे तयार झालेलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असल्यामुळे त्याला आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असं म्हणलेलं आहे बघा तो पिंक कलरचा सर्कल टाइप न जो इलेक्ट्रॉन दाखवलेला आहे ज्यावेळेस बॉन्ड तयार झाले आयन्स तयार झाले त्यावेळेस तो सी च्या शेजारी दिसतोय आता सोडियमच्या बाजूला राहिलेला नाही येतो पण ह्याच्यामुळे सोडियमवर इलेक्ट्रॉनची डिफिशियन्सी आली आहे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच झालेला आहे इलेक्ट्रॉनची संख्येनं एकानं वाढ झालेली आहे क्लोरीन मध्ये पण ह्या दोघांच्या ह्या चार्जेस डेव्हलपमेंट झाल्यामुळेच त्यांचं ऑक्टेट सुद्धा कम्प्लीट झाले आणि ऑक्टेट कम्प्लीट झाल्यावर ते स्टेबल झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे एन एल मॉलिक्युल हा स्टेबल मॉलिक्युल आहे आणि हा कशा पद्धतीने तयार झालाय आफ्टर लुझिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम सोडियम अक्वायर्स नियरेस्ट निऑन गॅस कॉन्फिग्रेशन अँड आफ्टर ऍक्सेप्टिंग गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम ऍटम क्लोरीन अल्सो गेट कन्वर्टेड इन्टू क्लोराइड आयर्न अँड हेन्स दे हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्या दोघांमध्ये एक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन निर्माण होत आहे ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कशामुळे तयार होत आहे त्यांच्यावरती असलेल्या चार्जेस मुळे तयार होत आहे आणि त्या चार्जेस तयार होत आहेत त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे या प्रकारच्याच बॉन्ड फॉर्मेशनला जिथे इलेक्ट्रॉनचा लॉस होतोय आणि गेन होतोय इलेक्ट्रॉनचा लॉस आणि गेन सायमल्टेनियसली होत किंवा ह्याला आपण दुसऱ्या पद्धतीने डिफाईन करू शकतो इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर होत आहे तर अशा केसमध्ये त्या बॉन्डला इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड किंवा आयोनिक बॉन्ड आपण म्हणलेला आहे है। एल मॉलिक्युल कंटेन्स इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड तशाच पद्धतीनं केसीएलचं झालेलं आहे केसीएल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज केला पोटॅशियम की त्याचं ऑक्टेट कम्प्लीट होईल त्याच्यामुळं पोटॅशियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करून टाकेल स्वतःचं ऑक्टेट कम्प्लीट करेल आणि क्लोरीन सुद्धा एक इलेक्ट्रॉन गेन करून स्वतःचं ऑक्टेट कम्प्लीट करेल आणि दोघंही नियरेस्ट आर्गॉन गॅस सारखं इलेक्ट्रॉन्स त्यांच्याकडं जमा होतील कलेक्ट होतील इट सिटाटेन्स नियरेस्ट आर्गॉन गॅस कॉन्फिगरेशन अशा पद्धतीनं पोटॅशियम क्लोराईड सुद्धा स्टेबल होत आहे आता आपण ह्याच्या पुढे पाहणार आहोत की नेमकं कशा पद्धतीनं हे बॉन्ड फॉर्मेशन होतंय त्याच्या आपण स्टेप बाय स्टेप जर स्टडी केली तर आपल्यालाही समोरचे फॉर्मेशन कळत जातील ठीक आहे आपण स्टेप बाय स्टेप कशा पद्धतीने हे फॉर्मेशन होऊ शकतं त्याच्या स्टेप्स कोणत्या आहेत काय आपल्याला फॉलो करायचं आहे त्याच्याबद्दल थोडी स्टडी करूया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड मॉलिक्युल अपन एक एक टप्पे ब एक एक पॉइंट ते पॉइंट्स बगूया थ्रू फर्स्ट पॉइंट सोषी सोडियम एंड क्लोराइड क्लोरिंग आर क्लोज विथ इच अदर द एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी एंड एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एज फॉलोज लक्ष मॉलिक्यूल एक्सिस्टन्स मध्य These are the existing आर द we मॉलिक्युल्स अँड वी आर जस्ट of दॅट molecule त्या मॉलिक्युलची स्टडी आपण फक्त करत आहोत तर ते कशा पद्धतीनं असेल बॉन्ड फॉर्मेशन झालेलं त्याच्याबद्दल आपण अभ्यास करत आहोत सोडियम क्लोराइड मॉलिक्युल कंटेन्स वन ऍटम ऑफ सोडियम अँड वन ऍटम ऑफ क्लोरीन बघा ह्या मध्ये एक सोडियमचा ॲटम आहे आणि एक क्लोरीनचा मॉल आहे एक सोडियमचा ॲटम आणि एक क्लोरीनचा ॲटम बघा ह्या मॉलिक्युलमध्ये किती ऍटम आहेत दोन ऍटम आहेत कोणते कोणते आहेत एक सोडियमचा आहे आणि एक क्लोरिनचा आहे मग ह्या एका मॉलिक्युलमध्ये दोन ऍटम्स असल्यामुळे ह्यांना आपण डाय ऍटॉमिक मॉलिक्युल सुद्धा म्हणू शकतो ह्यांना आपण काय म्हणू शकतो डाय ऍटॉमिक मॉलिक्युल ज्यांच्यामध्ये दोन ऍटम्स आहेत असा मॉलिक्युल त्यांना आपण म्हणू शकतो ठीक आहे मग आता समोर का पॉइंट है क्या है ऐटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कि सोडियम ऐसी अकरा एंड एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज क्लोरिन सत्रह सत्रह है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और ग्यारह है सोडियम का एटॉमिक नंबर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज टू क्वा एट क्वा वन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा एट कॉमा वन है टू कॉमा एट कॉमा वन है तो आवाज आ रही है मेरी हेलो यस yes, yes, आ रही है टू कॉमा एट कॉमा वन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू कॉमा एट कॉमा सेवन देखिए यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सीधे सीधे उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना जरूरी है अगर ये दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक है तो उनको क्या करने की जरूरत है तो नेचर बोलता है कि सोडियम के तरफ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा क्लोरीन को तो क्लोरीन की ही जरूरत कंप्लीट हो जाएगी यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और सोडियम की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, यानी फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, सोडियम वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन सिंपल सी चीज है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम अटेंस नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन देखिए सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो टोटल कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बाकी कितनी बच गई एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद दस बच गई यानी दस इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर बच गए रह गए तो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है दस इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नियॉन गैस की रहती है नियॉन गैस के अंदर भी दस इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं तो उस हिसाब से उसने नियरेस्ट इनर्ड गैस कॉन्फिग्रेशन किसका गेन किया है नियॉन गैस का गेन किया है अलग -अलग मैं बता रहा उसका और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अठारह उसका एटोमिक नंबर हो जाता है और अठारह एटोमिक नंबर यानी अठारह इलेक्ट्रॉन कौन से इनर्ट गैस में रहते हैं तो आर्गन गैस के अंदर अठारह इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोरिन बॉन्ड और electrovalent बॉन्ड देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है कि पहली स्टेप में हमें ये पता करना है कि उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स है और कितने एटम्स है दूसरा पॉइंट उस उनके एटॉमिक नंबर क्या है किस लिए एटॉमिक नंबर तीसरा पॉइंट उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए समझने के लिए उनका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना बहुत जरूरी है फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देने के बाद हर एक एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग या लूजिंग या गेनिंग करना पड़ेगा इसके बारे में हमें देखना जरूरी होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है देखिए जो एटम्स मैंने इससे पहले भी आपको बताया जो एटम्स के लास्ट शेल में चार से कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स देने की होती है यानी वैलेंस शेल के अंदर एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर रहते हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की है हालांकि जिनके अंदर चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यानी नॉन मेटल्स तो नॉन मेटल्स के अंदर की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी होती है और उसी तरह वो एक दूसरे के साथ बन जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे हो रहा है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है ठीक है समझ में आ रहा है सबको yes, Yes, तो सर यस सर तो अब आगे वाला एग्जांपल एक yes, देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और वो क्या डिफरेंस है वही हमें देखना है देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल अगर हम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है वो और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दो आठ और दो यानी टोटल 12 फर्स्ट शेल में दो सेकंड शेल में आठ और तीसरे शेल में दो और क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है दो आठ सात तो तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे मैग्नीशियम एटम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा किसको करेगा यम, यमी ए सेकंड शिफ्ट प्लस खराब है मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स किसको रिलीज करेगा क्लोरीन एटम को रिलीज करेगा और क्लोरीन को हर एक क्लोरीन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसकी वजह से एक क्लोरीन एटम मैग्नीशियम से सिर्फ एक ही क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरा क्लोरीन एटम मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा जिस वजह से मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है क्योंकि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है और हर एक क्लोरीन एटम के ऊपर यूनिट निगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है क्योंकि हर एक क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन कर रहा है यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिस वजह से मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है किस वजह से कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कर रहा है नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन गेन करने के लिए कर रहा है या स्टेबल होने के लिए कर रहा है हेंस मैग्नीशियम लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेंस नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन गैस एंड शोस प्लस टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोवेलेंसी एंड ईच क्लोरीन एटम एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड shows minus one in negative electrovalency देखा देखा देखा। and chlorine attains nearest argon gas configuration and chlorine attains nearest argon gas configuration ठीक है समझ में आ रहा है तो so, देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीशियम तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट है दोनों क्लोराइड आयन के ऊपर निगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन है इसका मतलब ही निगेटिव चार्ज है और जिसकी वजह से एम के ऊपर प्लस प्लस चार्ज है और हर एक क्लोरीन के ऊपर सिंगल निगेटिव चार्ज है इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा और इसी का मतलब है इन आयन के बीच आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया है फॉर्म हो चुका है ठीक है

यहां देखिए कैल्शियम के अंदर दो आठ आठ और दो यानी टोटल बीस इलेक्ट्रॉन्स है और ऊपर जो हमने देखे हैं मैग्नीशियम के अंदर दो आठ दो यानी टोटल बारह इलेक्ट्रॉन्स है तो बारह इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के अंदर और बीस इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम के अंदर कैल्शियम भी क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा लूज कर देगा हेंस इट एक्वायर्स प्लस टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड एज ईच क्लोरीन एटम एक्सेप्टन इलेक्ट्रॉन हिंस इट शोज माइनस वन निगेटिव इलेक्ट्रॉन एलेंसी देखिए यहाँ पे दो क्लोरिन एटम है दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं यानी इसका मतलब जरा ध्यान से देखिए हर एक क्लोरिन एटम को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि उसके लास्ट में सात इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उस वजह से मैंने नीचे क्या लिखा है ईच क्लोरीन एटम एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन यहां पे माइनस टू निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं बनेगी ईच क्लोरिन एटम एज इट इज एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन हेंस इट शोज माइनस वन निगेटिव देखिए जरूरत कितनी है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की हैल्शियम एज इट इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स बाय द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कैल्शियम आल्सो अटेंस नियरेस्ट अर्गॉन गैस कॉन्फिगुरेशन यहाँ पे वो अर्गॉन गैस का कॉन्फिगुरेशन गेन कर रहा है Electrovalent bond or ionic bond, it is called as electrovalent <coughs> compound or ionic compound. Hence, CACl2, it is a electrovalent compound or ionic compound. Similarly, MGCl2, it is electrovalent compound or ionic compound. Similarly, KCl it is electrovalent compound or ionic compound. NaCl, it is electrovalent compound or ionic compound. Gene compound ke under gene molecule ke under आयोनिक बॉन्ड रहता है तैयार हो जाता है उनको हम इलेक्ट्रोवेंट कंपाउंड कहते हैं या आयोनिक कंपाउंड कहते हैं ठीक है इसके बाद में और एक एग्जांपल देखिए देखिए यहाँ पे एक एटम है एल्यूमिनियम और उसके सराउंडिंग में तीन क्लोरीन एटम्स आ चुके हैं तो तीन क्लोरीन एटम्स आने के बाद यहाँ पे तैयार हो जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे मॉलिक्यूल बन जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड का एल्युमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनने के बाद देखिए लास्ट शेल के अंदर एल्युमिनियम में तीन इलेक्ट्रॉन्स है और जो तीन इलेक्ट्रॉन्स है वो वो रिलीज कर देगा वो एल्युमिनियम रिलीज कर देगा और हर एक क्लोरीन कृपया आपका माइक हर एक का माइक कृपया म्यूट कर दीजिए तो एल्यूमिनियम अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर कर रहा है हर एक क्लोरीन एटम को और हर एक क्लोरीन एटम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक एक की जरूरत है जो वो एक्सेप्ट कर रहा है एल्यूमिनियम से हर एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है एल्युमिनियम से उसकी वजह से एल्युमिनियम के ऊपर ट्राई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और हर एक क्लोरीन के ऊपर यूनिट निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज चार्ज और निगेटिव चार्ज। लेकिन निगेटिव याने कैसे है? हर एक क्लोरीन आइटम के ऊपर एक यूनिट निगेटिव चार्ज है ऐसा मिला के ट्राई निगेटिव अगर हम कहते हैं तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है यानी कि उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसके अंदर है अब देखिए एल्यूमिनियम क्या कर रहा है उस जिसके अंदर चार से कम इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के अंदर उस एटम को हम मेटल्स कहते हैं और मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी है रिलीज करने की टेंडेंसी है एल्यूमिनियम रिलीजेस लूजेस थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर्स प्लस थ्री पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड ईच क्लोरीन एटम एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड acquires unit negative negative charge and shows minus 1 negative electrovalency due to loss of 3 electrons aluminum attains nearest neon gas configuration and due to gain of one electron chlorine atom acquires nearest it attains nearest argon gas configuration hence molecule which contains electrovalent or ionic bond is known as electrovalent compound or ionic compound ठीक है यानी एल्युमिनियम क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड है इलेक्ट्रोव कंपाउंड है अब एक नया मॉलिक्यूल हम देखते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अब इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है फिर एक बार देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर सबको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं yes, sir. Yes, sir. कोई, कोई yes, किसी yes, को डाउट है किसी को डाउट है नो सर काही असेल तर विचारा विचारा हा काही असेल तर विचारा डोक्यात ठेवू नका कोणत्याही गोष्टी आपल्याला डोक्यात ठेवायच्या नाही आहेत सगळे फंडामेंटल कन्सेप्ट आयुष्यातले जर तुम्ही क्लिअर करत राहिलात तर कुठेही स्टेबल राहताल सक्सेसफुल राहताल कोणतीही फील्ड तुम्ही चूज करा फक्त कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर असणं आवश्यक आहे तर आपण नेक्स्ट मॉलिक्युल बघत आहोत क्लोरीन मॉलिक्युल

सात इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट क्लोरीन शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन विथ अनदर क्लोरीन एटम अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन देने वाला कौन है इसके नजदीक इसके नजदीक सोडियम एटम नहीं है इसके नजदीक दूसरा सोडियम के बजाय यहाँ पे क्लोरीन एटम ही मौजूद है क्लोरीन एटम मौजूद होने की वजह से वो क्या कर रहा है क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है अगर सोडियम होता था तो एक इलेक्ट्रॉन मांग लेता था लेकिन यहाँ पे वो गेन नहीं कर रहा कौन सोडियम क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि उसके बाजू में जो एटम मौजूद है अभी वो क्लोरीन ही है दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है तो दोनों के अंदर लास्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स कौन सा भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा उसकी वजह से क्या हो रहा है दोनों भी एटम एक दूसरे का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करेंगे या हम कह सकते हैं आर्गॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन दिखाएंगे और जो बॉन्ड इस तरह की शेयरिंग से बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड बन जाता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और यहां पे यहां पे देखिए यहां पे क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जा रही है यहां पे देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर दो क्लोरीन के एटम्स है और दोनों क्लोरीन के एटम्स क्या कर रहे हैं बाजू वाले क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर कर रहे हैं और म्यूचुअल शेयरिंग से वन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या हो रहा है वहां पे बॉन्ड डेवलप हो रहा है ध्यान में रखिए दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉटम में मैंने दिखाया है एक लाइन दिखाई है दो इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे यानी वो एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो एक लाइन एक बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है जिसे हम कोहलैंड बॉन्ड कहते हैं और क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है उस वजह से इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट और ये करने के बाद यहाँ पे बॉन्ड डेवलप होने के बाद क्या हो रहा है ईच क्लोरिन एटम अटेंस नियरेस्ट नियरेस्ट अर्गॉन गैस कॉन्फिग्रेशन यहां पे गलती से नियॉन हो गया है तो यहाँ पे ऑर्गोन चाहिए अर्गॉन गैस कॉन्फिगुरेशन यहाँ पे क्लोरीन एटम दिखाएगा और द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एज कोहेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज कॉल्ड एज सिंगल कोहेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज कॉल्ड एज सिंगल कोहैलेंट बॉन्ड

ये क्या बता रहा है देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जो एक लाइन दिखाई है मैंने उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है दो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से उन्हें कहा गया है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं उनकी हम पेयरस अगर काउंट करते हैं तो टोटल क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर एक दो तीन चार पांच छे, छे है, जो में नहीं हो रही है उनको, हम कहते। उनको हम क्या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए मैंने एरो डायग्राम दिखाई है वहां पे करेक्ट एरो दिखा है बॉन्ड पेयर के ऊपर नाम के ऊपर एक एरो दिखाया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक डैश को और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे उन पेयर्स को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा गया है तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऐसे पेयर्स हम कह सकते हैं ये लोन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं यानी अगर हमें काउंट करना है तो कितने लोन पेयर्स हो गए दो चार छ आठ दस बारह बारह लोन पेयर से बारह इलेक्ट्रॉन्स है यानी छह लोन पेयर्स है बारह इलेक्ट्रॉन्स है यानी छे लोन पेयर्स है इस तरह से और बॉन्ड पेयर में सिर्फ एक पेयर बॉन्डिंग पेयर में है और उसकी वजह से ये बॉन्ड कौन सा हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच कंटेन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे शेयरिंग हो रही है क्यों हो रही है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टेबल होने के लिए हर एक क्लोरीन एटम नेबरिंग क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो ये बन जा रहा है single covalent bond as the two chlorine atom contains one single covalent bond hence the name of the type of compound form it is a covalent compound as it is having covalent bond as it is having covalent bond hence it is called as covalent compound देखिए इसके बाद एक मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन हम देखेंगे इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को कुछ कांसेप्ट और क्लियर करने हैं ब्लर है किसके माइंड में कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो पूछिए नापल आवाज आवाज नहीं आ रही सिंपल एग्जांपल बताइए सिंपल एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ही है ना बेटा ये क्लोरीन का एग्जाम्पल है और एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक ऑर्बिट होने, होने की वजह से एक शेल होने की वजह से वो सिर्फ अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा उसकी वजह से हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स है उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन से और करने के लिए हर एक हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसकी वजह से हर एक हाइड्रोजन एटम नेबरिंग हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे बन जाती है और उन दोनों के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इड्रोजन आइटम अटेंस नियरेस्ट हेलियम गैस कॉन्फिग्रेशन देखिए हर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था उसने बाजू वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो टोटल तो कितने हो गए टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दो इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया डुप्लेट कंप्लीट हो गया एंड उसकी वजह से द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल इट इज ऑल्सो कोलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है क्लोरिन मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और उसकी वजह से यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड वो बन गया इसके आगे हम देखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल two oxygen atom, hence it is a diatomic molecule. इससे पहले भी मैंने कहा था number of atoms, number of atoms present in the atoms present in the molecule it shows the atomicity of that molecule. number of atoms present in the molecule it shows atomicity of molecule. hence as oxygen molecule contains two atoms of oxygen, hence it is showing atomicity is equal to 2 similarly क्लोरीन की एटोमिसिटी भी दो सिमिलरली हाइड्रोजन की एटोमिसिटी भी दो है ठीक है।, है तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स उसकी वजह से उसकी एटोमिसिटी डिफाइन होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलिस है उसकी वजह से क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी वजह से उसकी एटोमिसिटी दो है एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय टू ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज आवाज नहीं आती मतलब सर नेट ओ oh, oh, so, और... oh, तो सर ये इतना ही है ओ सर इतनी कोना लच नहीं है ये इतनी सर थोड़ा वे आड़क ले ब्रेक भी होने थे सर ब्रेक होती ही सर ये तो है सर ये तो है सर ये तो है सर हेलो हेलो आवाज ये तो है का ये तो है सर ये तो है अरे ज्यांच्याकडे आवाज येत नाही त्यांनी स्वतः कव्हरेज मध्ये आता मी फक्त पोलवर चढायचं राहिलोय टॉवर त्या मोबाईलच्या टॉवर बाकीचे सगळ्यांनी इतक्या कव्हरेज मध्ये आहे मी कॉलेजच्या झेंड्याजवळ बसून आहे आणि लेक्चर घेत आहे ऑक्सिजन मॉलिक्युल मध्ये आपण बघूयात ऑक्सिजन मॉलिक्युल इज फॉर्म बाय टू आयटम्स ऑफ ऑक्सिजन इट इज कॉल्ड ऍज डायटॉमिक मॉलिक्युल आता हे डाय ऍटॉमिक आहे दोन ऍटम्स आहेत म्हणून त्याची ऍटॉमिसिटी किती झाली दोन ऍटम्सची संख्या असल्यामुळे त्याची ऍटॉमिसिटी झाली दोन ऍज द फॉर द कम्प्लिशन ऑफ ऑक्टेट इच ऑक्सिजन इट इज इन नीड ऑफ टू मोर इलेक्ट्रॉन्स त्या ऑक्सिजनला ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी अजून दोन इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे कारण त्याच्या लास्ट शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत सहा as it is having only six electrons hence it is in need of two more electrons for the completion of octet hence each oxygen atom shares two electrons of neighboring oxygen atom and complete its octet and complete its octet hence due to mutual sharing of two electron pairs म्युच्युअल शेअरिंग किती इलेक्ट्रॉनशी ची झालेली आहे दोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ची झालेली आहे म्हणजे चार इलेक्ट्रॉनशी ची झालेली आहे आणि त्यामुळे ड्यू टू म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स अ फॉर्मेशन ऑफ डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड या दोन ऑक्सिजन आयटमच्या मध्ये कोणता बॉन्ड तयार झालेला आहे डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार झालेला आहे अगेन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स

बॉन्ड पेयर्स आहेत म्हणजे बॉन्डिंग मध्ये किती इलेक्ट्रॉनचं पार्टिसिपेशन आहे चार इलेक्ट्रॉन्सचं पार्टिसिपेशन बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये आहे ऍज इट इज हॅव्हिंग अ कोव्हॅलेंट कंपाऊंड डबल ऍज इट इज हॅव्हिंग अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड वी कॅन कॉल इट ॲज अ कोव्हॅलेंट मॉलिक्युल ऑर कोव्हॅलेंट कंपाऊंड हा ऑक्सिजन मध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड असल्यामुळे ह्याला आपण कोव्हॅलेंट कंपाऊंड म्हणू शकतो ठीक आहे ह्या ऑक्सिजन प्रत्येक ऑक्सिजन शेजारच्या किती इलेक्ट्रॉनशी शेअरिंग केलीय फक्त दोन इलेक्ट्रॉनशी जर तुम्ही बॉक्सेस बघितले ब्ल्यू आणि रेड शेड चे तर तुम्हाला क्लिअर होईल रेड शेडच्या बॉक्सनं स्वतःच्या ऑक्सिजनचे सहा इलेक्ट्रॉन्स इट इज ठेवलेले आहेत आणि ब्ल्यू मधल्या ऑक्सिजनचे सर फक्त दोन इलेक्ट्रॉन्स घेतले शेअरिंग मध्ये आणि तसंच ब्ल्यू मधल्या ऑक्सिजननेही तेच केलेलं आहे रेड बॉक्स मधल्या ऑक्सिजनचे फक्त दोन इलेक्ट्रॉन्स घेतले ह्या पद्धतीनं दोनों ही ऑक्सीजन न अपल ऑक्टेट कंप्लीट के हेन्स ईच ऑक्सीजन अटेन्स नियरेस्ट निन गैस कॉन्फ़िगरेशन ईच ऑक्सीजन अटेन्स निस्ट निन गैस कॉन्फिग्रेशन बता अजु एक महत्वाचार मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सर्व मॉलिक्यूल महत्वाचार फाउंडेशन अपल चालू है, है।, है। लक्ष दया प्रत्येक वेळेस लक्षात घ्या आपल्याला किती ऍटम्स आहेत त्या मॉलिक्युलमध्ये कोणकोणते ऍटम्स आहेत ते बघायचं आहे त्याचा ऍटॉमिक नंबर काय आहे तो जाणून घ्यायचा आहे कशासाठी जाणून घ्यायचा आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जाणून घेण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मिळाल्यावर आपल्याला लगेच लक्षात येईल त्याला ऑक्टेट कम्प्लीट करायला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे आणि ऑक्टेट कम्प्लीट करायला जितक्या इलेक्ट्रॉनची गरज आहे तो शेजारच्या सोबत लूज करेल गेन करेल किंवा शेअरिंग करेल त्याच्या शेजारचा आयटम कोणता आहे त्याच्यावर ते अवलंबून राहील त्याच्या शेजारी तसाच आयटम आला तर शेअरिंग करेल त्याच्या शेजारी जर अपोजिट प्रॉपर्टीज वाला जर आला म्हणजे मेटलच्या शेजारी नॉन मेटल आला किंवा नॉन मेटलच्या शेजारी मेटल आला तर मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेल लूज करेल नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करतील आणि तिथं बॉन्ड फॉर्मेशन होईल किंवा electrons are sharing current at a nitrogen molecule as nitrogen molecule is formed by two nitrogen atoms hence it is a diatomic molecule nothing but its atomicity is two for the completion of octet each nitrogen it is in need of three more electrons hence each nitrogen atom shares three electrons of neighboring nitrogen and due to mutual sharing of three electron pair there is a formation of covalent bond the bond form it is called as Each nitrogen atom attains nearest neon gas configuration. Hence, in nitrogen molecule, there is presence of two lone pair of electrons and three bond pair of electrons. The bond, which is formed by mutual sharing of three electron pairs, it is called as triple covalent bond. Hence, nitrogen molecule or nitrogen compound. It is a covalent compound. Why it is covalent compound? Because it is having only covalent bond. As it is having a covalent bond, hence we can call it as a covalent compound. Hello, hello, nah, yes, <laughs> <laughs> <गाँ> सर सर, सर, ना। सर, था था हो सर हो हो सर लेक्चर आहे आपण होऊयात मी तुम्हाला पीपीटी शेअर केलेली आहे तुमच्या ग्रुप मध्ये एकदा बघून घेताल आणि काही अडचण असेल तर नेक्स्ट काही प्रश्न असतील तुम्ही मला विचारू शकता व्हॉट्सअपला क्लास कधी आहे हॅलो बोला बोला Hello, sir. बोला सर ते नाईन कॉन्ट्रिम्युशन टू कॉमा फाय तर सर त्या बॉक्स मध्ये आपल्याला पाचच इलेक्ट्रॉन दाखवलेले

जे वन वन न फर्स्ट शेफ्टू शेकंड शेफ्टर थ्री सी न चालू होती थर्ड दिसत आहे का तुम्हाला काहीतरी सर सर स्क्रीनशेअर करायच दिसत प्लीज सर नाही नाव दिसत आहे सर नाव दिसतायत ना हां आमचे नाव नाव दिसत आहेत म्हणल्यावर बस झालं आता दिसते का काही नाही सर नाव अजूनही आता दिसतंय का काही नाही सर आलं सर आलं हे बघा नायट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री नायट्रोजन हे सात नंबरचा हायलाइटेड रो वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री म्हणजे टू एस टू टू पी थ्री म्हणजे सेकंड शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आले दोन आणि तीन पाच पाच आले का हां कन्फ्युज राहू नका जिथं दोन दोन न चालू होते ती सेकंड शेल जे एक 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 न चालू होती ती फर्स्ट शेल जिथं तीन तीन न चालू होती ती थर्ड शेल लक्षात ठेवायचं ठीक आहे आपण ऑर्बिट वाईज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बघत आहोत आणि हे ऑर्बिटल वाईज आहे तुम्ही मॉलिक्युलर फॉर्मेशन मध्ये ऑर्बिट वाईज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बघितलेलं आहे नोट्स शेअर केलेले आहेत एकदा बघून घ्या म्हणजे तुमची आयडिया क्लिअर होईल ठीक आहे काही डाऊट असतील तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात बाकी दुसऱ्यांचे लेक्चर चालू होत आहेत ठीक आहे थँक्यू हाय सर हेलो गाइस बाय गाइस हेलो इंग्लिश से लेक्चर कर जाए रे हेलो इंग्लिश से लेक्चर कर दिया साढ़े बारा साढ़े oh, oh, oh. yeah, बारा में आवाज़ नहीं एक दिन में बट साढ़े बारा आवाज़ नहीं गले तेरे अरे लिंक

काय रे अरे आज दिसणारे आज आम्हाला भेटले ना कसे काय कुठं पाहिलं रे तू